प्रयास ये रहेगा बहुत अच्छे नीलम जी की बिंद पर ही रहा जाए, क्योंकि सागर में मोती न लालों की कमी है, कमी है तो बस खोजने वालों की कमी है। आइए एक रचना तीसरे चरण में आपको दे रहा हूं, बिल्कुल साधारण सा गीत है। एक गीत प्रमुख जी सुनिएगा, क्योंकि सुबह के समय करीब लोग रह जाते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है मजबूत श्रोता रह जाते हैं, तो मैं मजबूत गीत सुना रहा हूं आपको। पप्पू भैया, पप्पू भैया सुनिएगा एक गीत बजा। अरे दरिया के पानिया में चढ़ती जवानिया, नदिया के पानिया में चढ़ती जवानिया, कहीं खो न जाए हम दिल जानिया, दिल न किसी का जाए जान जाए तो जाए, दिल न किसी जान जाए तो लेकिन थोड़ा सा संबोलचल का तरीका अलग है। प्रयास यही करता हूं कि जब मैं यहां से चला भी जाऊं तब भी आप याद रखें कि संबोलचल ने गाया था। हम लोगों को अलग तरीका रहता ही। सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं, अच्छा लगेगा। अरे सत के लिए लोग सुरजन इंद्रदेव असुरों के अत्याचार को देखा, विनय की अनुनय की, कहा महाराज इस अत्याचार से आप ही उबार सकते हो। तो देखिए जिस समय इतना सुना तो ऋषिवर दधीच ने कहा, अरे सत्य के लिए कितनी मिट गई हास्तियां, अरे हे सुरपति मैं अपनी देता हूं आस्थी, तो अरे काम ये तन, अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा। ऋषि दधीच ने कहा, अरे काम ये तन मानव कल्याण के लिए बेटे, अरे काम ये तन आ जाए तो जान जाए तो जाए, अरे मान न जाने पाए जान जाए तो we'll be right back.
सुनिएगा। महाराज दशरथ, लोगों ने कहा कि पुत्र वियोग में उनकी जान चली गई। एक जगह घटना मैंने भी पढ़ी, क्योंकि श्री रामचरितमानस सम्माननीय पुस्तक है, माननीय पुस्तक है, उसमें गोस्वामी जी ने जो लिखा है उसे काटा नहीं जा सकता, लेकिन एक जगह मैंने भी पढ़ा, महाराज दशरथ तब तक जीवित रहे जब तक सुमंत्र जी वापस नहीं आ गए। क्या बात, सुमंत्र जी जब वापस आए, महाराज दशरथ ने पूछा राम आए? बोले नहीं, उनके प्राण नहीं गए। उन्होंने पूछा क्या जानकी आई? कहा नहीं, और जैसे ही कहा नहीं तो उनके प्राण पखेरु चले गए। क्यों? क्योंकि जिस समय माता जानकी को विवाह करके लाए भगवान राम, महाराज दशरथ के हाथ में अपनी पगड़ी रख दी महाराज जनक ने, चरणों में पगड़ी रख दी, कहा महाराज हमारी बेटी मिथिला में फूलों में पली है। इस समय इतना कहा, महाराज दशरथ ने कहा जनक अगर तुम्हारी बेटी फूलों में पली है तो दशरथ कह रहा है ये हमारी अवध में कलियों में पलेगी। लेकिन वो प्रण पूरा नहीं कर पाए, और जब प्रण पूरा नहीं कर पाए तो देखिए हुआ। अरे राजन बा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो मिथ्या बचन ना जाए, ये जान जाए तो जाए। महाराज अरे पान न जाने पाए, जान जाए तो मेरी निगाह जनमानस पर रहती है, जरा तुम हमका देखो, जरा हम तुमका देखी बात तब है मैंने, कारण ये अगर एक भी पंक्ति इधर उधर हो जाएगी कीर्तन गाने का कोई मतलब नहीं होगा। सुनिएगा जरा, महाराज युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बहुत समझाया, कहा अभिमन्यु लौट जाओ, क्योंकि अर्जुन ही चक्रव्यूह का भेदन जानता है। जब इतना सुना तो अभिमन्यु कहने लगा, सुनिए दासरी, अरे अभिमन्यु बाली उम्र में और प्यू भेद ने पहुंच
सोचा सफर अभिमन्यु ने कहा किरण में न पीठ दिखाए शाबाश शाबाश बेटे रण में न पीठ दिखाए जान जाए तो जाए और आन न जाने पाए जान जाए तो तुलनीय त्याग है मंगल पांडे चंद्रशेखर आजाद सुभाष चंद्र बोस खुदीराम बोस झलकारी बाई पद्माबाई पुतली बाई मीराबाई लक्ष्मी बाई तमाम लोग हुए ये सब अतुलनीय पात्र हैं लेकिन मैं एक ऐसा पात्र ले रहा हूं शायद आपको अच्छा लगेगा अरे पतन पे न्योछावर वतन पे न्योछावर कितनी ही बोटियां ओ खानी पड़े चाहे घास की रोटियां खानी पड़े चाहे घास की रोटियां तो हल चल न सर झुक जाए क्या बात है महाराणा प्रताप ने कहा अरे हल चल न सर झुक जाए जान जाए तो जाए और हमारे देश के वीर जो सीमा पर खड़े हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं किस बात के लिए अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो सभी लोग आशीर्वाद दीजिएगा और सभी देश के जवान कहते हैं अरे न झुकने तिरंगा पाए जान जाए तो जान जाए तो नदिया के पानियों में चढ़ती जवानियां yeah.
से गई है। कहा माँ आज भी तू एक स्वार्थ बस आई है, केवल तूने पांच को ही जाना है, आज भी तू मेरे कवच और कुंडल मांगने आई है। करण भाव कुंती का गया सब जान है, कवच और कुंडल फिर भी कभी प्यार दुलार दिया, लेकिन है तो मेरी माता, और आज इस दानवीर कर्ण से कुछ मांगने आई है। जब मैं माँ को नहीं दूंगा तो मेरे देने को क्या मेरे देने का क्या लाभ है? क्या बात बोल रहे हैं कि माता विमुख नहीं जाए, जान जाए तो जाए, क्योंकि कर्ण समझ रहे हैं कि ये पांच वार्ड मेरे प्राण के समान है। बिल्कुल बैठे तो कहना क्या माता विमुख नहीं जाए। हृदय से किया है हिंद माँ का वंदन, तो विचलित हुआ से मेरा नुकसान हो सकता है मेरे प्राणों का, लेकिन फिर भी उसने उस समय नहीं सोचा। तो कहना क्या बात बड़े कि विचलित हुआ ना वीर अभिनंदन, तो दुश्मन वेद न पाए, क्या बात कि दुश्मन कि दुश्मन भेद न पाए।
थी। और ये 21 पत्र मुद्राएं इस जवाब पंक्ति पर भेंट कर रहे हैं हमारे सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री सीताराम विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है।